आपकी तो गई स्टेटहुड, ठीक है ना। अब आप वापस आना चाहते हैं तो बीवी से आपकी आपकी शादी नहीं, मेरी नहीं हुई, नहीं हुई। अच्छा कोई बात नहीं, हो जाएगी। तो झगड़े घर तक रहें तो ठीक है, लेकिन जब वो झगड़े पब्लिक में आ जाएं तो वो झगड़ा झगड़ा नहीं रहता। ये झगड़ा नहीं है एक्चुअली, ये एक कहते हैं ना अभी एग्री टू डिसएग्री, तू खतरे में है। वो गांधी जी की वहां पर फोटो लगी है, ये भाजपा लोग जो है ना वो देखिए उधर, हम गांधी को पूजने वाले लोग हैं, हम गोडसे को पूजने वाले लोग नहीं हैं। जो गोडसे को पूजते हैं उनको उन्होंने संसद में बिठा के रखा है, और वो लोग खुलेआम गांधी को हथियारा लड़ रहे थे उनके लिए। आप मेरे सवाल को डाइवर्ट कर रही हैं। आप एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, 7 साल से जम्मू कश्मीर की बात, कांग्रेस की अगर मैं बात करूँ तो 7 साल से एक ही नेता जो है वो कांग्रेस की कुर्सी पर है, क्या कोई दूसरा नेता नहीं है कि जिसे मौका दिया जाए नेता बनने का? 7 साल से एक ही व्यक्ति, जीएम साहब की मैं बात करूं, 7 साल से एक ही व्यक्ति एक ही कुर्सी, कोई चेहरा है कांग्रेस में जो मुख्यमंत्री का चेहरा? राहुल गांधी चेहरा है हमारे मुख्यमंत्री का, मुख्यमंत्री का, वो तो प्रधानमंत्री का चेहरा, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? नमस्कार द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ वरुण शर्मा। जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 ए को हटाया गया था तो भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने यह दावा किया था कि जम्मू कश्मीर को एक नई पहचान दिलवाई जाएगी, रोजगार के नए नए अवसर जो है वो दिए जाएंगे, कश्मीर से आतंकवाद का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा। लेकिन इन 2.5 साल से ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, और आज भी बॉर्डर बटालियन के बच्चों को किस तरह से मारा गया, किस तरह से उन्हें गिरफ्तार किया गया, क्या यही नया जम्मू कश्मीर दिखाना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी? और भी तमाम मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे, और बातचीत करने के लिए हमारे साथ नगमा जी मौजूद हैं जो कि 3 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर में पहुंची हैं। मैम आपका जम्मू की पावन धरती पर हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम जब धारा 370 और 35 को हटाया गया था तो भाजपा के नेताओं ने, केंद्र सरकार ने ये दावे किए थे कि जम्मू कश्मीर को एक नई पहचान दिलवाई जाएगी, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन देखने को ये मिल रहा है कि जो युवा है वो सड़कों पर है, उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, और आज भी कई बच्चों को गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल, ये बेहद अफसोस की बात है कि हर वर्ग भाजपा से त्रस्त है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिलाएँ हो, हर वर्ग, गरीबी रेखा के नीचे के जो वर्ग हैं उनको तो इन्होंने खूब धकेला है, और गरीबी रेखा के नीचे जितनी यूपीए सरकार ने उनको ऊपर उठाया था गरीबी रेखा के ऊपर, कई सारे लोगों को, कई सारे करोड़ों लोगों को, लेकिन इन्होंने उतने ही करोड़ों लोगों को धकेल दिया, क्योंकि ये सिर्फ फ़ायदा करते हैं कुछ कॉर्पोरेट लोगों को, कुछ कॉर्पोरेट दोस्तों को, लेकिन इनको कोई लेना देना नहीं है कि आम जनता की ज़िंदगी में क्या हो रहा है या आम जन को क्या चीज़ चाहिए होगा। लेकिन इनके राज में एक चीज़ देखने को ज़रूर मिली है कि पिछले 7 साल से ये लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, तो जो 80% हिंदू अपने आप को आज़ाद देश जब से हुआ है भारत देश, तब से कभी अपने आप को उन्होंने खतरे में महसूस नहीं किया, लेकिन आज ये लोग हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करा के यही बात कहना चाहते हैं कि हिंदू खतरे में है। तो मोदी जी के राज में तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि लोगों को क्यों ऐसे कहा जाए कि वो खतरे में है। तो हिंदुस्तान के जो भी नागरिक हैं, जो भी स्तर पे हैं, चाहे वो किसान क्यों ना हो, माइग्रेशन के टाइम पे कितने लोग माइग्रेंट वर्कर्स की हत्या हो गई, मर गए, गुजर गए, तो माइग्रेशन करते वक्त, और भी मनरेगा का बजट इन्होंने कम कर दिया, किसानों की कितनी सारी प्रोटेस्ट के दौरान हत्या हो गई, वो गुजर गए इसी प्रोटेस्ट को करते करते, लेकिन इनके पास कोई भी डेटा नहीं है इनसे। अगर मुझे आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, अपन कांग्रेस के नेशनल लीडर हैं, क्या आपने कभी ये सुना है कि हिंदुस्तान में किसी स्टेट को यूटी बना दिया गया हो, यूटी से स्टेट बनते हुए आपने देखे होंगे, क्या किसी स्टेट को कभी यूटी बनते हुए देखा क्या आपने? मैंने देखा है, मैंने जम्मू कश्मीर के वासियों को मेरी नज़रों के सामने उनसे उनका हक छीनते हुए देखा है, क्योंकि मैं यहाँ की महिला इंचार्ज, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज, मैं 2018 से हूँ, और 18 में ही ये बीजेपी और पीडीपी की सरकार थी, तब भी मैंने देखा था कि इन लोग किस तरह से करप्शन में लिप्त थे, तब भी इनकी सरकार के खिलाफ मैंने मेमोरेंडम दिया था, यहीं आके इसी ऑफिस में हम गवर्नर के पास चल के गए थे प्रोटेस्ट करके, और हमने वो मेमोरेंडम दिया था, तब इनकी सरकार गिर गई थी, और उसके बाद किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने
चीन को हैंडल किया, ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा, पर सारे तरफ से घुस के बैठे हैं। और पाकिस्तान को किस तरफ से डरा के हिंदुस्तान को रखा है, जब खुद जाके बिरयानी खा लेते हैं उन लोगों के साथ में बिना बुलाए, और उनको पठानकोट के इन्वेस्टिगेशन के लिए उनकी टीम को इन्वाइट करते हैं, कोविड के समय इमरान खान जी को ये लव लेटर लिखते हैं, तो ये सारी बातें करके फिर आप सर्टिफिकेट देने घूमते हैं कि हिंदुस्तान के हम लोगों को हम प्रमाण पत्र देंगे कि वो हिंदुस्तानी हैं। मैम, अगर विपक्ष की अगर मैं बात करूँ तो विपक्ष का एक अहम रोल रहता है कि सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर में अगर बात की जाए तो विपक्ष पूरी तरह से नाकाम रहा है। नहीं, मैं नहीं ये बात को मानती। हमारे सारे कॉरपोरेटर्स यहाँ पर खड़े हैं, बहुत जुझारू हैं, सारी महिला कॉरपोरेटर्स यहाँ पर लगातार आवाज़ उठाते रहती हैं, हर स्तर पर आवाज़ उठाती हैं, और वो उनकी आवाज़ बुलंद है, और लोगों को ये देखना ज़रूरी है। लोग बहुत समझदार हैं। सुचेतगढ़ परसों हम गए थे, और सुचेतगढ़ में भी किस तरह से उनकी असेंबली सेगमेंट इस डिलिमिटेशन में छीनी गई है, वो वासी जो शेलिंग्स का सामना आए दिन करते रहते हैं, उनको इस गवर्नमेंट ने अल्टरनेट अकोमोडेशन भी नहीं दिया है। ये देखिए, ये सारी हमारी काउंसिलर्स हैं यहाँ पर, कॉरपोरेटर्स हैं जो कि बहुत मजबूती से यहाँ पर लड़ती है। तो ये जो छवि पूरे हिंदुस्तान भर में फैलाई जा रही है कि ये जो अलग अलग ढंग से अलग अलग चीज़ें फैलाते रहते हैं, इन्हीं के यूनियन मिनिस्टर्स जो हैं ये कहते हैं कि जो लोग भाजपा को वोट नहीं देंगे वो पाकिस्तान चले जाएं। क्यों भाई जाए? हमें नहीं पसंद भाजपा, हमें नहीं पसंद भाजपा का राज, हमें नहीं पसंद जिस तरह से जम्मू कश्मीर का स्टेटस छीन लिया गया, स्टेटहुड छीन दी गई और यूनियन पर टेरिटरी बना दी गई। तो ये तो हमारे आंखों के सामने हुआ ना, बच्चों को बेरोजगार कर दिया गया, 21.6% पे जम्मू कश्मीर की बेरोजगारी को पहुंचा दिया गया है। तो जिस तरह से महिलाओं को भी जो आए दिन विधवा हो जाती है, उनको पेंशन की स्कीम भी नहीं है 40 साल के नीचे की आयु की महिलाओं को, और उनके लिए हम पुरजोर तरीके से लड़ाई लड़ेंगे कि हमारी सरकार आती है तो सबसे पहले हम ये करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से मिलिटेंसी जिस कदर इनके राज में भी फैली है, जिस कदर आए दिन हम देखते हैं कि आए दिन लोगों की हत्याएं, नॉन लोकल्स की ज़्यादातर वहाँ पर हत्याएं की जा रही हैं, जो जम्मू कश्मीर से बाहर के हैं, जम्मू के हैं, जम्मू कश्मीर के बाहरी राज्यों के, उन्हें ज़्यादा वहाँ पर टारगेट किया जा रहा है, टारगेट किलिंग वहाँ पर अब शुरू हो चुकी है। आपकी प्रिंसिपल नॉन लोकल थी, आपके टीचर नॉन लोकल थे, कश्मीर जम्मू जम्मू के, तो मैं जम्मू की बात कर रही ना, हम जम्मू में खड़े हैं, तो हम क्या वो नॉन लोकल थे या फिर मॉल में जो गुजर गए वो नॉन लोकल थे? अब जम्मू कश्मीर तो एक ही रियासत थी ना, इसकी स्टेटहुड छीन के इन्होंने इसको यूटी बना दिया है, और ये लोगों का उन्होंने अधिकार छीन लिया, हक छीन लिया। अब ये 370 के बाद इन्होंने क्या मतलब हासिल कर लिया ये सब करके? मैम, आखिरी में एक सवाल करना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि इसके बाद सियासत में एक नई हलचल जो है वो देखने को मिली है। परिसीमन आयोग द्वारा एक सेकेंड ड्राफ्ट जो है वो पेश किया गया है, जिसका नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पूरी तरह से विरोध किया है। सुचेतगढ़ जो कि विधानसभा एक क्षेत्र था, उसे ख़त्म कर दिया गया, उसके आरएसपुर के साथ जोड़ दिया गया, रायपुर दमन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बदलाव जो है वो देखने को मिले हैं, जो कि जम्मू कश्मीर जनता इसे बिल्कुल भी नहीं चाहती है, और विरोध जो है इसका भी वहाँ पर किया जा रहा है। क्या कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा जो परिसीमन आयोग ने अपनी दूसरी रिपोर्ट पेश की? हमारा नेता उस पर काम कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं रही है। जो हमारी मीटिंग हुई है जिसमें निकल के आया है कि जिस तरीके से इन्होंने पूरा मानचित्र अभी सामने रखा नहीं है, जब पूरी चीज़ें सामने आ जाएंगी तो वो उस पर सोच विचार करके अपना पक्ष बताएंगे कि इसमें क्या खामियां हैं और क्या बुराई है और किस तरह से इन्होंने, लेकिन मैंने फर्स्ट हैंड सुचेतगढ़ के लोगों से मिलके मैंने उनका पूरा मतलब उनका बयान सुना कि किस तरह से वो बहुत ही नाखुश है इससे, और जो स्थानीय लोग अगर चीज़ों से नाखुश हैं तो उन्हें तो ये पता ही नहीं कि भाजपा किस तरह से धीरे धीरे करके उनके अधिकार पूरी तरह से छीन लेते हैं। ना हिमाचल प्रदेश में इस तरीके की भाजपा की सरकार है, लेकिन वहाँ हिमाचलियों के लोकलों का मतलब हर चीज़ उनके राइट्स को सेफगार्ड किया गया, लेकिन यहाँ पर उस तरह से सेफगार्ड नहीं किया जा रहा है, यहाँ तो इस लोगों को डरा के रखा जा रहा है, तो क्यों ऐसे किया जा रहा है भाजपा राज में? जम्मू कश्मीर अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो इसमें दो फाड़ हो चुके हैं, दो बड़े नेता जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आ, अगर कांग्रेस में ही फूट पड़ेगी तो वो जम्मू कश्मीर को किस तरह से संजो के रखेगा?
मुझे लगता है अभी हाल ही में राहुल जी आए थे और सारे नेता उधर मौजूद थे मीटिंग में, तो ये तो सब लेकिन आपके एक बड़े बड़े नेता हैं गुलाम नबी आजाद साहब, उन्होंने जम्मू में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि मैं 24 कैरेट का असली कांग्रेसी हूँ, जो मेरा विरोध कर रहे हैं वो 18 कैरेट के कांग्रेस, यानी कि जो दूसरे कांग्रेसी हैं उनमें खोट है। तो ठीक है ना, ऐसे अपने परिवार में रोज़ झगड़े होते हैं, फिर रोज़ खाना खा लेते हैं साथ में, फिर आप बीवी से आपकी शादी हुई? नहीं, मेरी नहीं हुई। नहीं हुई, अच्छा कोई बात नहीं, हो जाएगी। तो ये मियां बीवी का जो झगड़ा होता है ये तो चलता रहता है, और ये अगर इस तरह के झगड़े घर तक रहें तो ठीक है, लेकिन जब वो झगड़े पब्लिक में आ जाएं तो वो झगड़ा नहीं रहता। ये झगड़ा नहीं है एक्चुअली, ये एक कहते हैं ना वी एग्री टू डिसएग्री, तो ये डिसएग्रीमेंट कभी किसी की हो जाती है, लेकिन महत्वपूर्ण वो नहीं है, महत्वपूर्ण हमारी आइडियोलॉजी है, हमारी आइडियोलॉजी जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को साथ में लेके चलती है। ये नहीं कि भाजपा राज और हिंदू राज में हिंदू 80% हिंदू खतरे में है, वो गांधी जी की वहाँ पर फोटो लगी है, ये भाजपा लोग जो है ना वो देखिए उधर, हम गांधी को पूजने वाले लोग हैं, हम गोडसे को पूजने वाले लोग नहीं हैं। जो गोडसे को पूजते हैं उनको उन्होंने संसद में बिठा के रखा है, और वो लोग खुलेआम गांधी को हथियारा के की मंदिर बनाना चाहते हैं, और जो अभी अभी क्या कहते हैं किसी एक सांसद पे गोली चली या गोली चलाई गई, उनके ही लोग उसमें लिप्त पाए गए, भाजपा ही लोग। और फिर वो विश्व हिंदू वाहिनी वो कह रही थी कि हम तो उनकी लड़ाई लड़ेंगे, वैसे ही कथवा में हुआ था, जो रेपिस्ट थे उनकी भी ये लोग लड़ाई लड़ रहे थे उनके लिए। आप मेरे सवाल को डाइवर्ट कर रही हैं, आप एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, 7 साल से जम्मू कश्मीर का मैं बात कांग्रेस की अगर मैं बात करूँ तो 7 साल से एक ही नेता जो है वो कांग्रेस की कुर्सी पर है, क्या कोई दूसरा नेता नहीं है कि जिसे मौका दिया जाए नेता बनने का? 7 साल से एक ही व्यक्ति जीएम साहब की मैं बात कर रहा हूँ, 7 साल से एक ही व्यक्ति एक ही कुर्सी पर बैठा हुआ, क्या कोई दूसरा चेहरा नहीं है आपके पास क्या जम्मू कश्मीर में? नहीं नहीं, चेहरे तो बहुत हैं, 7 साल से एक ही व्यक्ति क्यों कुर्सी से बैठा? आप देखना नहीं चाहते, आंखें खुल के देखिए, हम भी खड़े हैं, ये भी खड़े हैं, ये भी खड़े हैं, इन्होंने 2 बार सीट लड़ाए, तो ऐसा नहीं है कुर्सी एक नहीं होती है, लेकिन जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव एरिया है, और जिस तरह से सेंसिटिव एरिया को संभालने के लिए भी मतलब पार्टी में ये नहीं है कि वो क्या, हमारे पार्टी में फिर भी इलेक्शंस होते हैं, हमारे पार्टी में फिर भी ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कितने सालों से इलेक्शंस नहीं हुए, कितने साल से इलेक्शंस नहीं हुए, अमित शाह और भाजपा के शासन में तो इलेक्शन भी नहीं होता, क्या कहते हैं वो बीजेपी में, वो जिसको चाहते हैं उस पर ठप्पा लगा देते हैं, फिर उसको बिठा देते हैं वहाँ पर, तो यहाँ पर तो कोई इलेक्शन नहीं होता, तो हमारे यहाँ पर तो कम से कम इलेक्शन का प्रोसेस है, ठीक है ना? तो ये सब कंपैरेटिवली हमारे लोग नहीं जाते कांदाहार में टेररिस्ट को छोड़ने के लिए, तो ये सारी चीज़ें हमारे लोग नहीं करते, हम हमारी आइडियोलॉजी जो होती है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव होते हैं तो जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? वो तो वही तय करेंगे ना, एमएलए जो जीतेंगे तो सही तौर से तो एमएलए ही तय करते हैं। चेहरा है कांग्रेस में जो मुख्यमंत्री है, चेहरा राहुल गांधी चेहरा है हमारे, मुख्यमंत्री का वो तो प्रधानमंत्री का चेहरा, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? मुख्यमंत्री का दायित्व चुनने का एमएलए का होता है, जब एमएलए जीत के आएंगे तो वो कहेंगे कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा, ठीक है ना, वो हमारे पार्टी हाईकमान को कहेगा। अभी पार्टी हाईकमान नहीं तय कर सकता कि उनको कौन चाहिए, जहाँ पर मुख्यमंत्री होगा वहाँ पर पार्टी हाईकमान तय करेगा, लेकिन जहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं है वहाँ पर एमएलए मिलकर तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा बने, और पार्टी फिर उस पे कॉल लेती है, और पार्टी हाईकमान ही कॉल लेती है। तो मैं तो जनरल सेक्रेटरी इंद्राज महिला कांग्रेस की हूँ, महिला सबसे ज़्यादा त्रस्त अगर पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा कहीं है तो वो जम्मू कश्मीर में है, क्योंकि आए दिन वो विधवा हो जाती हैं, आए दिन उनको पेंशन नहीं मिल पाता 40 साल की उम्र के नीचे के, और जिस तरीके से उनकी ज़िंदगी में बदहाली भाजपा ने करके रखी हुई है, महंगाई बढ़ा के और बेरोजगारी बढ़ा के, तो सबसे ज़्यादा तो इफेक्ट इसमें महिलाओं को पड़ता है ना, वही इसकी इसका खामियाजा भुगतती हैं। तो इसीलिए भाजपा राज में आपकी तो गई स्टेटहुड, ठीक है ना, अब आप वापस आना चाहते हैं तो भाजपा को गलती मत करना वोट देकर। धन्यवाद, चलिए बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर से जम्मू कश्मीर के तमाम मुद्दों को लेकर हमने नगमा जी से जो है वो बातचीत की है।